हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी, गुड मॉर्निंग। और बताइए कैसे हो आप? और मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपने परिवार के साथ बहुत खुश होगे, माता रानी की सेवा कर रहे होगे। तो ये देखिए जो पेड़ है ना, यहीं से सूर्य देवता उदय होते हैं। तो अभी उदय नहीं हुए हैं क्योंकि अभी 6 बज रहा है। और आज मैंने सोचा ना कि आप लोग को मैं छत से ही, मैं जो ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ छत से स्टार्ट करूँ, क्योंकि बहुत खूबसूरत लगता है। और देखिए कितना कोहरा हो गया है ना, और यहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे थे अपने खेतों में, तो मैंने सोचा कि यहीं से आज का ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का जो दिन है वो शुक्रवार है, और तारीख है वो 8 तारीख है। और अभी सुबह के जो हो रहे ना 7 बज रहे हैं, क्योंकि मैंने सारा काम घर का करके, क्लीनिंग वगैरह करके ही छत पे गई थी। बस मुझे नहाना था, नहाने के बाद मैं सीधे नीचे आ गई थी पूजा करने के लिए। तो आप भी मिल लीजिए मेरी माता रानी से, जय माता दी। तो अभी देखिए मैं पूजा कर लेती हूँ, और ये मैंने हवन दिखाने के लिए, अग्यारी जो होता है वो करने के लिए मैंने ये जलाया है घोरी। तो अभी बारी बारी से छवि कर लेगी, मैं कर लूँगी, रुपेश कर लेगा आरती। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं नवरात्र में अपनी मॉर्निंग की स्टार्ट पूजा से। तो अभी रुपेश भी कर लेता है आरती, थोड़ा बच्चे हैं अभी, वो लोग उतने परफेक्ट नहीं हैं, तो फिर भी मैं करवाती रहती हूँ, क्योंकि यही तो है हमारे संस्कार, यही तो बच्चे सीखेंगे। और यहाँ मैं आहुति दे देती हूँ, फिर उसके बाद आ जाती हूँ डायरेक्ट किचन में। तो आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ वड़ा पाव जैसा ही कुछ बना रही हूँ, कुछ सोचा नहीं था, सेट नहीं था, बस ऐसे ही बना रही हूँ, क्योंकि सामान अवेलेबल था तो मैंने सोचा कि चलो आज बना लेती हूँ। तभी मैंने ऑयल गर्म कर दिया है, इसमें कड़ी पत्ता, राई दाना और हरी मिर्च डाल के थोड़ा सा ही भूनूंगी, ज़्यादा नहीं। फिर मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है, लाल मिर्च पाउडर डाला है आधा चम्मच, और स्वाद के अनुसार नमक डाल दूँगी। और 3-3.5 आलू था, मतलब एक कटा आलू था और 3 आलू बड़े खड़े थे, वो मैंने उबाल लिए हैं। और अब मैं इसे अच्छी तरीके से कूट कूट के बिल्कुल चोखा के जैसे इसे कर लूँगी। और इधर देखिए मैं ब्रेड भी सेक लेती हूँ, तो दोनों तरफ से आप घी से सेक लीजिए, या बटर से, या रिफाइंड से, आपके पास जो अवेलेबल है आप उससे कर लीजिए, मैंने तो बटर से किया है। तो इसी तरीके से मैंने सारे ब्रेड को सेक लिए हैं, जितने भी ब्रेड थे मुझे जितना बनाना था, और आप जितना बनाइए उतना आप सेक लीजिए। फिर मैंने देखिए ये जो फ्रेंड्स चटनी मैं ब्रेड पे लगा रही हूँ ना, ये चटनी मैंने घर पे ही बनाई है, इसकी रेसिपी मैंने अभी तक नहीं शेयर की है। अगर आप सभी को ये चटनी की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आप लोग से ज़रूर शेयर करूँगी। यकीन मानिए फ्रेंड्स, चटनी बहुत टेस्टी लगती है, रुपेश तो बहुत खाता है इसे। तो अभी देखिए मैंने एक ब्रेड पर चटनी लगा दिया है, टमाटर की लाल चटनी, और दूसरे ब्रेड पर मैंने जो आलू का बनाया था बैटर वो लगा देती हूँ। फिर दोनों को एक साथ मतलब रख के फिर बीच से कट कर दूँगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स कम समय में तुरंत तैयार हो जाने वाला ये ब्रेकफास्ट है, और बहुत टेस्टी लगता है। इस तरीके से आप झटपट बना के देखिएगा, कम समय में आप थोड़ी मोड़ी अगर भूख लगी हो ना तो बहुत ही अच्छा जाता है ये। तो मैं आप लोग को खिला रही थी, फ्रेंड्स आप लोग भी खा लीजिए। और फिर मैंने भी नाश्ता कर लिया और बच्चों ने भी कर लिया, तो बच्चे पास में ही हैं तो मैंने उनको भी नाश्ता करा दिया, और अभी रुक के थोड़ी देर बाद खाना बनाऊंगी। राधे बोल, राधे बोल है बरसानी में। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो बताइए आप सब कैसे हैं? अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो अभी सुबह का समय हो रहा है, और मैंने मशीन में सॉफ्ट, जो टेडी बियर वगैरह होते हैं ना सॉफ्ट टॉयज, मैंने वो डाला है वाश होने के लिए, और डाल दी थी कि इसमें वाश हो जाएगा। और थोड़ा अभी मैं जा रही हूँ बच्चे के स्कूल, क्योंकि बच्चों का मैंने सोचा है ना दूसरे जगह एडमिशन कराने के लिए। पहले जिस स्कूल में पढ़ते थे वो स्कूल जो है बहुत दूर था, यहाँ से 4 किलोमीटर जाना, 4 किलोमीटर आना, 8 किलोमीटर हो जाता है। और गाड़ी आती थी बच्चों को लेने के लिए, लेकिन इस बार सोच रही हूँ कि आसपास के स्कूल में ही करा दूँ। और इंग्लिश मीडियम वो भी था, इंग्लिश मीडियम में भी है, यहाँ की फैसिलिटी भी अच्छी है। आज मैं फ़र्स्ट टाइम जाऊँगी, देखती हूँ कि मतलब क्या प्रोसेस है, कैसा वहाँ का व्यवस्था है, वो सब देख के ही कराऊँगी बच्चों का एडमिशन। तो अभी आज जा रही हूँ हस्बैंड के साथ, पर बच्चे जो हैं वो तैयार नहीं हैं, वो बोल रहे हैं कि मम्मी मैं पुरानी स्कूल ही जाऊँगा और मुझे आप वहाँ से निकालिए मत। पर मुझे पता नहीं ऐसा लग रहा है कि आप वहाँ से निकाल देना चाहिए, क्योंकि वहाँ की जो लॉकडाउन के बाद ना वहाँ का पूरा सिस्टम चेंज हुआ है, बच्चे चेंज हुए हैं, बाकी सब चेंज हुआ है। तो इसी वजह से मैं वहाँ से बच्चों को निकाल रही हूँ, वरना वहाँ पर पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी, बच्चे मेरे अच्छे थे, पढ़ने में तेज थे। बट अभी तो निकाल रही हूँ, और हस्बैंड जाएंगे डीसी लेने। यहाँ पर भी जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, जन्म प्रमाण पत्र जो हो गया, और क्या बोलते हैं आधार कार्ड और डीसी। तो डीसी मैंने अभी नहीं करवाया है, मैं भेजूंगी हस्बैंड को कुछ दिन में। और एक बच्चे का 400 रुपये डीसी का चार्ज दे रहे हैं, तो दो बच्चों का 800 रुपये डीसी का चार्ज देना है। और फिर जाऊँगी स्कूल में रुपये के पुराने वाले। तो अभी चलते हैं,
रुपेश के नए स्कूल में और दिखाती हूँ आपको कि कहाँ स्कूल है। अभी ले चलती हूँ और मैंने सुबह का जितना काम होता है खाना वगैरह मैंने बना लिया है, बस मुझे चावल बनाना है और कुछ नहीं। तो देखिए कि मशीन में कपड़े जो है वो ना वो वाश हो चुके हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कपड़े नहीं है, टेरिवियर मैंने वाश किया है। एक मिनट के बाद अभी मैं ओपन कर लूँगी और फिर ना इसे छत पर डाल दूँगी सूखने के लिए, क्योंकि इसमें डालने से जो है ना ड्राई हो जाता है तो अच्छे से सूख जाते हैं, कम समय में सूख जाते हैं। तो चलिए अभी मशीन से निकाल लेती हूँ सारे टॉयज को। तो फिर ला दो बेटा, तो बट्टी सारा निकाल दे रहे, फिर छत पे जाओ उसको ऐसे ही रख देना, वो नहीं करना है ना, ठीक है, ऐसे ही बस रख देना, सूख जाएगा। तो फ्रेंड्स आज मैंने ये वाली कुर्ती पहनी है, देखिए। और ये कुर्ती मैंने मीशो से मंगाई थी, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है और मैंने इसे 5-6 बार पहन लिया है, पर देखिए जस का तस है, बिल्कुल न्यू है और मुझे बहुत अच्छा लगा मीशो का ये सूट। मैंने 2-3 सूट मंगाए, सबके कपड़े जो है ना बहुत ही अच्छा आया है। तो अभी मैं निकाल लेती हूँ, कपड़ों को एंड हो गया है तो निकाल ले रही हूँ। रुपीस ले आओ बेटा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारे टॉयज जो है वो नहा लिए, नहा धो के रेडी हो गए हैं और बिल्कुल ये देखिए बिल्कुल पानी जो है बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए मैं इसमें लगा देती हूँ ना कि जल्दी से सूख जाएगा। हाय बोलो, हाय हाय फ्रेंड्स। तो अभी मैं इसे रुपेश से बोल के छत पे डलवा देती हूँ, रुपेश वहाँ पे पड़ रहा है। जाओ रुपेश, इसको ना छत पे बस ऐसे ऐसे करके रख देना, ठीक ना, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। नहीं सवाल अभी नहीं पूछेंगे, अभी जा रहे हैं बातचीत कर लेना कि मतलब क्या होगा स्कूल में। हाँ छवि, तो फ्रेंड्स छवि भी जा रही है हमारे साथ, और नहीं तुम बाद में जाना रुपेश, तुम्हारा बोटल, तुम रुपेश अपना होमवर्क करो ना, हमारा ऊपर है। आओ चलो चल चल और ले पानी डाल लो, फिर बाहर आओ, हम बाहर जा रहे हैं, ठीक है। अलाउड बंद कर देना बेटा ना, रुपेश घर में रहना बेटा ना, और ध्यान देना, बस हम लोग अभी आ जाएंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। आओ छवि, मास्क ले लेना छवि, गेट खोल दो गाड़ी, पापा निकाल दे बाहर, गेट खोल दो पापा, गाड़ी निकाल ले बाहर, खिड़की में रख दीजिए, मन निकाल दीजिएगा फिर हम करेंगे अच्छे से। पापा फिर भी तो फ्रेंड्स झोले में जो था ना वो पुराने डब्बे थे किचन के, जो मैंने किचन से निकाल दिया है, तो वही मैं बोल रही थी कि बाहर रख दो और कोई कबाड़ी वाला आएगा उसे दे देंगे, या सुबह में आते हैं कबाड़ी वाले वो सब खुद से लेके चले जाते हैं ऐसे ही। तो अभी देखिए मैं स्कूल जा रही हूँ बच्चों के, और पास में ही है, बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं है स्कूल। तो छवि भैया को बाय कर रही है अभी। फ्रेंड्स आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करके जाइएगा। आप लाइक नहीं करते हो फ्रेंड्स, बहुत दुख होता है, इतनी मेहनत करो पर आप लोग लाइक नहीं करते हो, फुल वॉच नहीं करते हो। प्लीज़ फ्रेंड आप फुल वॉच किया करिए, लाइक कर दिया करिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ जहाँ पे मैं चूड़ी कंगन लेने आती हूँ, वहाँ पे आ गई हूँ। सूट मैंने दिया है सिलने के लिए, और 2 सूट था जो मैंने हस्बैंड को दिया था, आपने देखा, तो वही दोनों सूट सिलने को दे देती हूँ। और अभी देखिए ये स्कूल नहीं, स्कूल थोड़ी पीछे से है, तो बस समझ जाइए स्कूल हम पहुँच ही गए हैं। तो बस इतनी ही दूरी पे स्कूल है फ्रेंड्स, और बच्चे पास में ही रहेंगे 2 साल बाद, बस उन्हें फिर निकालना ही है। तो मैंने सोचा घर बैठे तो कोई पढ़ाई हो नहीं रही है, तो इससे अच्छा कि बच्चे थोड़ा आकर, ये देखिए फ्रेंड्स ये है चैम्बर टीचर्स का, तो मैंने सोचा कि चलो आके बच्चे कुछ ना कुछ तो पढ़ेंगे, ऐसे घर बैठे तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए हम आ गए थे कि चलो चलते हैं एडमिशन करा ही देते हैं, कुछ तो बच्चों की पढ़ाई कंटिन्यू रहेगी।
बट फ्रेंड बच्चे बिल्कुल खुश नहीं है इस स्कूल में। वो बोल रहे थे कि मुझे अच्छा नहीं है मम्मी, पुराने स्कूल भेजिए। पुराने स्कूल की फैसिलिटी बहुत ही अच्छी थी। तो फ्रेंड्स मेरे कैमरे में कोई प्रॉब्लम हो गया, इसकी वजह से कभी साफ देता है कभी धुंधला आता है, तो प्लीज़ इसे इग्नोर करिएगा, मैं जल्द ही कैमरे को ठीक करवा लूँगी। तो फ्रेंड्स अभी हम घर आ गए हैं और हम जा रहे हैं लंच करने। तो ये थाली लगा दे रही हूँ आप लोग के लिए, आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ लंच करने। आलू सोया बड़ी की सब्जी, चावल, रोटी।